गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? मजे में हो? हाँ, मैं भी बहुत मजे में हूँ। तो आप सभी दूसरी कक्षा में हो और अभी हमारा है हिंदी का पीरियड, है ना? हाँ, और हिंदी का पीरियड आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? तो हमने हमारा जो पाठ है नौवा, जो कि है ऐ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ऐ की मात्रा। हमारा पाठ नौवा ऐ की मात्रा की हमने पहचान की थी, उसका अध्ययन किया था, है ना? हाँ, और वर्णों को, सभी वर्णों को हमने, क से लेकर ज्ञ तक सभी वर्णों को हमने ऐ की मात्रा भी अच्छे से लगाई थी, ठीक है? हाँ, और उसके बाद हमने लगभग 20 शब्द ऐ की मात्रा के लिखे हुए हैं, है ना बच्चों? हाँ, तो यहाँ तक आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है। हाँ, तो अभी अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। हाँ, इससे पहले हमने कहानी भी देखी थी। हाँ, कौन सी कहानी आपको याद है? हाँ, हमने कहानी देखी थी सैर पर गई नैना। नैना नाम की लड़की सैर पर गई थी और वो अपने छोटे भाई के साथ सैर पर गई थी, है ना? हाँ, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ? वो सैर करने कहाँ गई, उसने क्या किया, भैया ने क्या किया, ये सब हमने उस कहानी में देखा था, ठीक है? तो बच्चों, इसी कहानी का जो अभ्यास है वो आज हम करने वाले हैं, ठीक है? हाँ, तो आपके पास ये जो हमारा रोली का बुक है, पेज नंबर है 52। हाँ हाँ, तो इस पे आप देखो अभ्यास। तो पहला सवाल हमारा कौन सा है? देखो, पहला सवाल है हमारा सही या गलत लगाओ। यानी कि क्या करना है, यदि ये जो वाक्य दिया है, ये वाक्य जो अगर सही होगा तो आपको सही की यहाँ पे टिक लगानी है, और यदि ये गलत है तो आपको गलत करना है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे कितने हैं देखो, 1 2 3 4। हाँ, ये 4 वाक्य आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको इसको अच्छे से छुड़ाना है, ठीक है बच्चों? हाँ, तो पहला क्या है वाक्य देखो, बैल घास चर रहा था। तो ये सही है या गलत आपको मालूम है? हाँ, उसके बाद का वाक्य क्या है देखो, नैना ने भैया से सैर करने के लिए कहा। तीसरा वाक्य है, नैना थैला लेकर घर आई, भैया शैतानी कर रहा था। तो ये 4 वाक्यों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये अभी आपको मालूम है। और यदि आपको मालूम नहीं है तो ये जो कहानी है हमारी सैर पर गई नैना, ये एक बार और पढ़ो, ठीक है बच्चों? हाँ, उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, बताओ और लिखो। यानी कि सवाल आपको पढ़ना है, उसका जो जवाब है वो अच्छे से आपको बताना है और बाद में इसको लिखना है, ठीक है बच्चों? तो हमारा दूसरा सवाल है, बताओ और लिखो। हाँ, तो उसमें से हमारा पहला सवाल है, नैना कहाँ गई थी? नैना कहाँ गई थी? हाँ, नैना सैर करने गई थी, ठीक है बच्चों? हाँ, उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, भैया किसका गीत सुन रहा था? भैया बैठा था और वो क्या कर रहा था, गीत सुन रहा था। तो किसका गीत सुन रहा था? तो देखो, भैया मैना का गीत सुन रहा था। मैना नाम का क्या होता है, एक पंछी होता है, पक्षी होता है, तो उसका वो गीत सुन रहा था, ठीक है बच्चों? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ, इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, भैया को मैदान के किनारे क्या मिला? मैदान के किनारे भैया को, नैना के भैया को कुछ तो मिला, है ना? कुछ तो मिला, क्या मिला उसको? तो भैया को मैदान के किनारे थैला मिला। हाँ, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है, पेड़ की डाली पर क्या अटक गया? पेड़ की डाली पर क्या अटक गया? पेड़ की डाली पर थैला अटक गया। तो अभी आपको इन 4 सवालों के जवाब अच्छे से
मालूम है। और अब आपको ये चार सवाल और ये चार सवालों के जवाब अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में कहाँ लिखने हैं, आपके कॉपी में लिखने हैं, आपके नोटबुक में लिखने हैं। हाँ, ये देखो मैंने किस तरह से आपके लिए लिखे हुए हैं, देखो। हाँ, और आपका जो हस्ताक्षर है, आपका हैंडराइटिंग, वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो जो बच्चे गुड हैंडराइटिंग में लिखेंगे उनको मैं देने वाली हूँ क्या, बड़ा स्टार देने वाली हूँ। तो आप सभी को बड़ा स्टार चाहिए, चाहिए ना? हाँ, तो अच्छे से आप पेंसिल से अच्छे से लिखो। हाँ, और इरेजर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। हाँ, इसके बाद हमारा अगला सवाल हम देखेंगे। हाँ, अभी ये किताब देखो। हाँ, तो हमारा तीसरा सवाल क्या है? देखो बच्चों, आपको ये दूसरा सवाल जो है ये आपको कॉपी में भी लिखना है और किताब में भी लिखना है पेंसिल से। हाँ, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, शब्द पूरे करो और ऊंची आवाज में पढ़ो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेस करना है, ट्रेसिंग करना है। तो आप पेंसिल से इसको ट्रेस करो और ये जो शब्द है ये आपको बोलने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, तो अगला पेज देखो। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? हमारा चौथा सवाल है, रंगीन वर्ण पर आई की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, कितने शब्द है देखो, गिनो मेरे साथ। एक, दो, तीन, चार, चार शब्द है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ लाल रंग के अक्षर भी है, वर्ण भी है। हाँ, तो उन्हीं वर्णों पर आपको क्या करना है, आई की मात्रा लगानी है और वो शब्द इस खाली स्थान में लिखने हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारा पांचवा जो सवाल है वो है, चित्रों के नाम लिखो। यहाँ पे चार चित्र दिए हुए हैं, उन चार चित्रों के नाम आपको लिखने हैं। पर सबसे पहले आपकी ये चित्र कौन से है आपको मालूम है? हाँ, हमारा पहला चित्र क्या है? पैसा। क्या है? पैसा। उसके बाद है पैर, उसके बाद है बैलगाड़ी। हाँ, और उसके बाद ये कौन है? सैनिक। हाँ, तो ये चार शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद हमारा जो सवाल है वो देखो, चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। हाँ, तो ये चित्र देखकर आपको क्या करना है, वाक्य लिखना है, वाक्य पूरा करके लिखना है ना? हाँ, तो देखो ये जो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, वैशाली डॉट डॉट खेलती है, और दूसरा क्या है, वैभव के पास डॉट डॉट है। तो वैशाली क्या खेल रही है देखो? हाँ, वैशाली कैरम खेल रही है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? कैरम। हाँ, उसके बाद वैभव के पास क्या है, उसके गले में कुछ लटका हुआ है देखो यहाँ पे। हाँ, तो वैभव के पास कैमरा है। हाँ, तो यह आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद आप पेज टर्न करोगे तो आपको एक नया गाना दिखेगा, है ना? हाँ, तो बच्चों पेज नंबर 53 यहाँ तक हमारा अभ्यास पूरा हो गया। ये आपको अच्छे से छुड़ाना है गुड हैंडराइटिंग में, क्योंकि सबको स्टार चाहिए, है ना? हाँ, तो यहाँ पे उसके बाद ये अभ्यास होने के बाद यदि आप देखोगे तो यहाँ पे गाना दिया हुआ है। कुछ बच्चे यहाँ पे इस चित्र में देखोगे तो कुछ बच्चे कहाँ बैठे हैं? हाँ, नाव में बैठे हैं। हाँ, और कितने बच्चे हैं यहाँ पे, गिनो मेरे साथ। एक, दो, तीन, चार, चार बच्चे हैं वहाँ पे। कितने बच्चे हैं? चार। और यहाँ पे क्या है, यह इंद्रधनुष है। हाँ, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सात। हाँ, और यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे बादल है, और यहाँ पे नारियल के कुछ पेड़ दिए हुए हैं, और ये जो नाव है ये समंदर में है, है ना? हाँ, और यह छोटा सा कौन है? हाँ, यह छोटी सी एक मछली है। हाँ, और ये उनसे कुछ बातें कर रही है ऐसा लग रहा है ना?
तो ये जो हमारा गीत है उसका नाम क्या है, देखो, हैया रे हैया। क्या है? हैया रे हैया। हाँ, तो ये जो गाना है ये आपको अच्छे से क्या करना है, गाना है, और इसकी आपको क्या करना है, मम्मी को सुनाना है। हाँ, और मुझे भी सुनानी है आपको ये गीत, ठीक है? हाँ, तो ये अच्छे से आप गाना गाओ, ठीक है? इसके बाद की जो पढ़ाई है ये हम बाद में करने वाले हैं, पर अभी तक तो हमारी जो पढ़ाई हुई है वो अच्छे से करो, ठीक है? तो अभी हमने ऐ की मात्रा की पहचान की है ना? हाँ, तो अब हमारी बारी आती है वर्कशीट की, जो आपके पास है ना, सबके पास? हाँ, तो हमारे स्कूल का नाम क्या है आपको मालूम है? हाँ, हमारे स्कूल का नाम है रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खेल। और आप सभी कौन सी कक्षा में हो? दूसरी कक्षा में। हमारा जो विषय है वो है हमारा हिंदी, और यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना है, आपका खुद का पूरा नाम लिखना है। हाँ हाँ, और इसके बाद हमारा घटक है ऐ की मात्रा, यानी कि ये वर्कशीट जो है ये ऐ की मात्रा के ऊपर है। हाँ बच्चों, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी है? देखो, नीचे लिखी कविता में ऐ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाओ। गोला बनाइए, है ना? हाँ, तो मैना, मैना इस शब्द में ऐ की मात्रा है? हाँ है। तो जहाँ पे आपको इस प्रकार की मात्रा दिखाई देगी वहां पे आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, इस प्रकार गोला बनाएंगे, है ना? हाँ, और ये सब काम आप करोगे पेंसिल से, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन दी हुई है। कितनी पंक्तियाँ है? 8 पंक्तियाँ है। तो इन 8 पंक्तियों में जहाँ जहाँ पर ऐ की मात्रा है वहाँ पर आपको उस वर्ण को अच्छे से गोला करना है, ठीक है? हाँ, उसके बाद आप पेज टर्न करो। तो हमारा सवाल आता है दूसरा, प्रश्न दूसरा क्या है? देखो, ऐ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए, यानी कि यहाँ पे कुछ 10 शब्द दिए हैं, पर इन शब्दों में ऐ की मात्रा नहीं दी हुई है, क्या? नहीं। तो यह शब्द आपको इस खाली स्थान पर लिखना है, और जहाँ सही है, जो वर्ण सही है उस पर ही आपको ऐ की मात्रा लगानी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये पर है, तो पर से क्या, पर पे, पर इस शब्द में हम ऐ की मात्रा कहाँ पे लगाएंगे? हाँ, हम मात्रा लगाएंगे प वर्ण पर, तो वो शब्द बन जाएगा पैर, ठीक है बच्चों? इसी प्रकार ये शब्द आपको अच्छे से यहाँ पे ऐ की मात्रा लगाकर लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारी बारी आती है क्लास टेस्ट की। तो हमारी क्लास टेस्ट है 11 नंबर की। ये भी पेज आपके पास है, ये पेपर आपके पास है ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास टेस्ट 11, हाँ 1111। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐ की मात्रा के शब्दों पर टिक लगाओ। क्या करना है आपको वहां पे, सिर्फ टिक करनी है इस प्रकार बॉक्स में, ठीक है? तो ऐ की मात्रा के शब्दों पर टिक लगाओ। तो यहाँ पे लगभग 10 शब्द है, और ये लगभग 10 शब्दों में से सभी शब्द ऐ की मात्रा के नहीं है, यहाँ पे बीच बीच में है। हाँ, तो आपको ये सब शब्द पहले पढ़ने हैं अच्छे से। हाँ, और ये पढ़ने के बाद इसके सामने जो बॉक्स है खाली स्थान, वहाँ पे आपको क्या करनी है, इस प्रकार से टिक करनी है। और जो शब्द ऐ की मात्रा से शुरू नहीं हो रहे हैं, दूसरी मात्रा से है या दूसरे वर्णों से है, उन्हें आपको कुछ नहीं करना है, वो बॉक्स ऐसे ही खाली छोड़ दो, ठीक है? जहाँ पे ऐ की मात्रा है वही बॉक्स में आपको टिक करनी है, ठीक है बच्चों? हाँ, तो आज के लिए हमारी पढ़ाई बहुत हो चुकी है ना? हाँ, तो आप घर में रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ाई करो, आप समझ लो कि आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, ठीक है बच्चों? बेस्ट ऑफ लक, अच्छे
से पढ़ाई करो। धन्यवाद।